नमस्कार मित्रों। तो मैं अभी आया हूँ पीतमपुर टनल, जो पीतमपुर से टीही के मध्य बन रही है। तो दोस्तों यहाँ पर काम चालू है, आप देख सकते हैं ये सब व्यवस्था पूरी कर ली गई है। वेंटिलेशन मशीन और जो अंदर की डस्ट को बाहर फेंकती है। और दोस्तों अंदर काम तो चल रहा है, क्योंकि लगातार यहाँ से ट्रक मैंने अभी अंदर से बाहर आते हुए भी देखे हैं, दूसरी तरफ भी चल रहा है। तो मैं अभी खड़ा हूँ ये पीतमपुर से जो टीही का एंड है, मैं वहाँ पर खड़ा हूँ। अंदर जाने की और नीचे जाने की परमिशन नहीं थी, इसलिए मेरे को यहाँ आना पड़ा। दोस्तों मैं दूसरी और उसके ऊपर जा कर के और आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये डंपर अभी आ रहा है जैसा कि मैं बता रहा था आपको, और जो वो जेसीबी मशीन है वो अभी यहाँ से गई है। आप देख सकते हैं काम तो लगभग चालू है। मैं लगभग यहाँ पर 3 महीने पहले आया था, तब के वीडियो की मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप तब का वीडियो भी देख सकते हैं। दोस्तों आगे मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ वहाँ तक के कोई काम तो नज़र नहीं आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर गिट्टियों के चट्टे बना दिए गए हैं। और जो अर्थवर्क का काम था वो तो लगभग पहले ही कंप्लीट हो चुका है, उसके अलावा मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है दोस्तों। दोस्तों अब चलते हैं अपन इसका दूसरे एंड पर, जो पीतमपुर से आगे की तरफ है, अपने सागर कुटी का हिस्सा, जो जिस तरफ ये इसका दूसरा छोर है, जो वहाँ पर चलते हैं दोस्तों अब अपन। तो दोस्तों मैं अभी दूसरे एंड पर आया हूँ, धार एंड पर। तो देखते हैं आगे चलकर क्या काम की स्थिति है। चालू तो लग रहा है प्लांट, जो वेंटिलेशन प्लांट जो डाल रखा है इन्होंने वो तो चालू है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ने की परमिशन नहीं है, मैं यहीं से वीडियो बना पाऊँगा। ये देखिए लाइट जल रही है अंदर, और अंदर मैं देख पा रहा हूँ कि धूल ही धूल वहाँ से बाहर आ रही है, इसका मतलब अंदर ड्रिलिंग का काम चल रहा है। और दूसरे एंड पे मैंने आपको बताया था बुलडोज़र से एक जेसीबी भी गया था, और डंपर से मिट्टियाँ जो ये चट्टाने निकल रही है वो भी बाहर लेकर गए थे। और दोस्तों मैं ऊपर जब निकला हूँ यहाँ से तो हर जगह ये चट्टानों के ऐसे ढेर लगे हुए थे, यानी कि काम चल रहा है। और अभी मुझे पता चला है कि ये एक दिन में 6 फीट के आसपास टनल बना रहे हैं 24 घंटे में। एक दिन मतलब 24 घंटे, 6 फीट टनल बन रही है 24 घंटे में, और लगभग 1 से 1.25 किलोमीटर की टनल बाकी है। तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि जो टारगेट है वो टारगेट पे काम तो मेरे ख्याल से मुश्किल है हो पाना। तो देखते हैं दोस्तों कब क्या होता है, लेकिन काम फिलहाल चल रहा है, और 6 फीट 1 24 घंटे में, यानी कि बहुत सुस्त गति है। तो ये तो टनल का काम था, अब अपन चलते हैं धार की तरफ, जहाँ पर कुछ मेरे को हलचल दिखी है, स्लीपर बिछे हुए वगैरह। तो मैं चलता हूँ वहाँ पर, आपको दिखाता हूँ। बस जस्ट टनल के आगे ये हिस्सा भी। तो ये दोस्तों टनल के आगे का नज़ारा, यहाँ पर स्लीपर पूरे बिछा दिए गए हैं, और देख सकते हैं आप एक दूसरी लाइन के लिए भी स्लीपर बिछाए हैं। उसका मेरे को अभी कुछ आइडिया नहीं है यहाँ पर क्या है क्या नहीं है, पर एक तो ये मेन लाइन है जो ये आ रही है, और एक वहाँ पर एक और लाइन के लिए स्लीपर बिछाए गए हैं। तो इसके बारे में थोड़ा जानकारी निकाल के मैं आपको अपडेट दूंगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। परंतु दोस्तों इधर काम की गति तो सुस्ती है, तेज़ तो नहीं बोल सकते, क्योंकि जो 3 महीने पहले मैं आया था तब यहाँ पर अर्थवर्क का काम हुआ था, उसके अलावा गिट्टियाँ जो है वो यहाँ पर ला कर के ढेर लगा दी गई थी, और चट्टे बन रहे थे, स्लीपर्स के भी ढेर लगे हुए थे। और दोस्तों ये दूसरे जो ये है अपना टनल का हिस्सा देख रहे हैं आप, मैं टनल से लगभग 200 मीटर दूर हूँ अभी। और ये देख सकते हैं आप यहाँ पर ये कुछ बच्चे, ये पानी यहाँ पर भरा हुआ और कुछ बच्चे नहा रहे हैं। तो रेलवे को इसकी ओर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये समस्या आने वाले समय में भी बनी रहेगी। वहाँ पर एक ब्रिज है दोस्तों, नीचे से पानी निकालने के लिए शायद ब्रिज बना के रखा, लेकिन दूसरे एंड पर भी कहीं से उस पानी की निकासी नहीं है। तो आने वाले समय में ये एक गंभीर समस्या हो सकती है, क्योंकि ये पानी अगर भरा रहेगा तो अर्थवर्क लूज़ करेगा, ढीला करेगा, मिट्टी जो है वो काटेगा पानी। तो आप देख सकते हैं आगे तक के, जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक के सिर्फ ये अभी स्लीपर्स ही पीछे, इसके अलावा रेल पटकी भी है साइड पर, ये देख सकते हैं आप, लेकिन बिछाई नहीं गई है। दोनों जो ट्रैक दिख रहे हैं उस पर रेल बिछी नहीं है। दोस्तों मैं अब यहाँ से देखता हूँ और आगे जाने की कहीं से कोशिश करता हूँ, अगर कुछ वहाँ से जाने के लिए रास्ता मिलता है, कुछ मिलता है तो मैं आगे बढ़ के वहाँ तक के आपके नज़ारे पूरे दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये है ज़मीनी हकीकत, क्योंकि मैं साइट पर जाकर ही वीडियो बनाना पसंद करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ज़मीनी हकीकत क्या है, काम जो है वो बहुत स्लो चल रहा है। जो टारगेट है उससे तो
मेरे को नहीं लगता कि उस टारगेट पे काम हो पाएगा। उस टारगेट पे तो बहुत मुश्किल है, पिछड़ता हुआ ही नज़र आ रहा है ये काम पूरा। जो रेलवे की जो डेडलाइन दी गई है कि 24 में ये ट्रेन ट्रैक धार तक के हम चालू कर देंगे, ट्रेन चालू कर देंगे, परंतु यहाँ काम की गति देख करके तो ऐसा नज़र नहीं आ रहा है, खासकर टनल की। क्योंकि दोस्तों 24 घंटे में 6 फीट खुदाई ना के बराबर ही काम है, इससे ज़्यादा अगर खुदाई होगी तभी हो पाएगा समय पर काम। क्योंकि 1 किलोमीटर से ज़्यादा की खुदाई खुदेगी, 6 फीट यानी कि लगभग लगभग 2 मीटर एक दिन में खोद रहे हैं, तो अब 2 मीटर एक दिन में खुदाई बहुत कम होती है। 2 मीटर खोदते हैं उसके बाद में पूरा मलबा बाहर करते हैं, बाकी के काम करते हैं, उसके बाद ही आगे खोदना स्टार्ट करते हैं। मुझे लगता है इनके पास में मशीनरी की कमी है, इस वजह से ये इतना स्लो काम कर रहे हैं। अब देखते हैं दोस्तों, जो रेलवे ने वादा किया है वो वादे पर रेलवे अटल रहती है नहीं रहती है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों देखिए, वीडियो बनाने के चक्कर में कहाँ कहाँ किसी किसी जगह जाना पड़ता, मुझे रास्ता नज़र नहीं आया। बाइक को खड़ी करके इधर आना पड़ा, लगभग बाइक तक के घास है।